क्या आज आप भी वही बोल रहे हैं जो मीडिया बोल रहा है, या आप वैसी सोच बन गई आपकी, या आज आप वही आपका दिमाग माइंडसेट हो गए, उसको तोड़ने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन को लेने की जरूरत है, परमेश्वर को क्लेम करने की जरूरत है। आज हम यहाँ धरती पर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि हम यहाँ पर परमेश्वर के, हम लोग परमेश्वर के प्रॉफिट हैं, प्रोफिटेस हैं, और हम परमेश्वर ने हमको इसलिए रखा कि मैं राजदूत है, हमें अधिकार लेने के लिए रखा गया है, नगरत शक्तियों पर अधिकार लेने के लिए, सर्पों और बिच्छों को चलने का अधिकार दिया गया है। और कैसे लेंगे, जब परमेश्वर को विश्वास करेंगे और स्टैंड लेंगे। जहाँ मसीह में अति प्यारे भाई बहनों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर केवल कौन है, यह हमें देखना है कि आज हम किस तरफ हैं। आज देखो आप दुनिया किस तरफ से लगे पड़ी है, कोई किधर है कोई किधर है, इस भाग दौड़ जिंदगी में आज हमें ये चेक करने की ज़रूरत है कि हम किस ओर हैं, हम लोग यीशुआ की ओर हैं कि हम किसी दूसरे का विधान किस ओर है, ये लोग वचन से देखते हैं। हम लोग दूसरा राजा सातवें अध्याय की पहली रन पढ़ेंगे। तब एलिशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सुमरन के फाटक में सया भर मैदा एक शेकेल में और दो सया जौ भी एक शेकेल में बिकेगा। ये जो सया है, जो एक इजरायली मापने की गिनती है, इसका मतलब होता है, एक सया मतलब होता है कि 7.5 लीटर यानी कि 7.5 किलोग्राम, और एक जो शेकेल होता है वो इजरायली गिनती होती है, उसके हिसाब से उसका जो कीमत होती है आज के इंडियन करेंसी में 21.56 रुपये होता है। अगर हम कैलकुलेट करें तो उस समय सब तरफ पूरा अकाल पड़ा था, खाने कुछ नहीं था, और सब तरफ से दुश्मन की सेनाओं ने, आराम की सेनाओं ने पूरा घेर रखा था इसराइल को। उसमें इतनी महंगाई हो गई थी क्योंकि जब अगर कोई किला है उसके साथ तो घेर लेते हैं तो क्या हुआ, आना जाना बंद हो जाता है, कोई अंदर वाला अंदर नहीं जा सकता, बाहर वाला बाहर नहीं जा सकता। तो वहाँ पर परमेश्वर का दास एक स्टैंड लेता है, उस अविश्वासियों को लोगों के बीच में खड़ा होकर कहता है, उस अकाल में जो हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था उसमें खड़े होकर कहता है कि परमेश्वर 24 घंटे के अंदर जहाँ सब कुछ इतना महंगा है, वहाँ पर 1 किलो वह आपका मैदा है जो 2.87 रुपये के हिसाब से मिलेगा। कहाँ वो सैकड़ों रुपये में जा रहा था, हज़ारों रुपये में जा रहा था, और कहाँ वो कह रहा है कि परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि 1 किलो मैदा, एक सिया मैदा एक सेकेल में और दो सिया मैदा जौ एक सेकेल में क्या, यानी कि इंडियन करेंसी में 1 किलो जो है, 1 किलो मैदा 2.87 रुपये में मिलेगा, मतलब इतना सस्ता हो जाएगा कि आप यकीन नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते कि परमेश्वर इतना अद्भुत कर सकता है। आराम के राजा ने पूरे इज़राइल को घेर रखा है, सब तरफ कुल घेर रखा है। अब देखो, जब तक आप किले में रह रहे हैं और यदि आप बाहर नहीं जा सकेंगे तो ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी और सब कुछ बंद हो जाए, ऊपर से अकाल, यानी कि और मुश्किल हो गई है। एक तो दुश्मन घेरे हुए हैं प्लस अकाल है। उस समय सोचो कि माँ अपने बेटे को पका रही है, दूसरी माँ दूसरे बेटे को पका रही है, ऐसी सिचुएशन आ रही है, लोग को खा रहे हैं। वहाँ पर अगर आप एक परमेश्वर का दास ये बात बोल रहा है तो वहाँ पर जो एक राजा का कमांडर था, ऑफिसर था बड़ा, उसके तकिया करता था ऐसे राजा के, उसमें तो बोलता था, हंस रहा था उसमें, अलीशा में हंस रहा था। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं था, उसके परमेश्वर के दास भरोसा नहीं था, परमेश्वर के निकले वचन भरोसा नहीं था। वो ये देख रहा था कि अरे उस समय हेलीकॉप्टर का इजाद नहीं हुआ था, इन्वेंशन नहीं हुआ था, और चोपर इन्वेंशन नहीं हुआ था जो ऊपर जा करके पूरा आइटम गिरा देंगे नीचे पर, उसे कैसे होगा। बाइबल बताती है बरकुस 10:27 में कि मनुष्य से तो संभव है लेकिन ईश्वर से संभव है। मत्ती के 19:28 में लिखा है कि परमेश्वर सब कुछ संभव है। लूक के 1:37 में लिखा है कि जो वचन यीशु की ओर से होता है वो प्रभाव नहीं होता, वो प्रभाव लाता ही लाता है। हालेलुया। हो सकता है कि आज आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई हो, सब तरफ से आप घिरे हो, एक आपकी सब तरफ से आप जो है एक किले बंदे के अंदर हो, स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर हो, और ऊपर से आपको दुश्मन लोग घेरे हुए हैं, यानी कि आपके मानसिक प्रताड़ना भी और फिजिकली भी आप सरंडर्ड हैं दुश्मन की सेना से। परमेश्वर का वचन कहता है छोड़ो मत। अगर आप छोड़ देने की मूड में हैं, आपको लग रहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और ऐसी सिचुएशन है कि अकाल है और दुश्मन की सेना घेरे हुए है, आपको लग रहा है हाथ पे हाथ नहीं सूझ रहा, और आज अगर आप छोड़ने की स्थिति में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इतनी सस्ती कर दूंगा, इतनी मदद कर दूंगा कि तू सोच नहीं सकता, तेरे सोच से बढ़ के मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि
कि मैं सेनाओं का यहोवा हूँ, मैं तुम्हारे बीच में एक ऐसा परमेश्वर है कि तुम्हारी सोच से, तुम्हारे दिमाग से बढ़ के काम कर सकता है। जहाँ तुम सोचना तुम्हारा खत्म होता है, वहाँ यीशुवा के काम शुरू होता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास बीच में आता है और वो परमेश्वर का एक फेथ का स्टैंड लेता है और वो कहता है, वो निगेटिविटी को देख के बोलता, नलीफाई करता और कहता है कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी। और आज अगर आप चारों तरफ देखें तो आपको यही लग रहा है, सब तरफ निगेटिविटी। लोग, कोई मीडिया कुछ बोल रहा है, सरकारें कुछ बोल रही हैं। क्या आज आप भी वही बोल रहे हैं जो मीडिया बोल रहा है? या आप वैसी सोच बन गई आपकी? या आज आप वही आपका दिमाग माइंडसेट हो गए? इसको तोड़ने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन को लेने की ज़रूरत है, परमेश्वर को क्लेम करने की ज़रूरत है। आज हम यहाँ इस धरती पर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि हम यहाँ पर परमेश्वर के, हम लोग परमेश्वर के प्रॉफिट हैं, प्रोफिटेस हैं, और हम परमेश्वर ने हमको इसलिए रखा कि हम यहाँ राजदूत हैं, हमें अधिकार लेने के लिए रखा गया है। नगरत शक्तियों पर अधिकार लेने के लिए सर्पों और बिच्छों को कुचलने का अधिकार दिया गया है। और कैसे लेंगे? जब परमेश्वर वचन में विश्वास करेंगे और स्टैंड लेंगे। जहाँ दुनिया के सब लोग निगेटिविटी है, सब तरह लोग दुश्मन से घिरे हुए हैं, उनके दिमागों में दुश्मन ने कंट्रोल कर रखा है, बैरियर ने कंट्रोल कर, उस समय बीच परमेश्वर का वचन ले करके हमको बीच में ले बोलना है कि आज जो ये महंगी है, जो आज ये महंगाई है, वो इतनी सस्ती हो जाएगी कि तो सोच भी नहीं सकता। आज जो सिचुएशन है, जो तुम्हें दिख रही है, वो कभी उसका नाम तक नहीं लिया जाएगा। जितनी दिन तक इस दुष्ट बीमारी का नाम लिया गया है, या जितने दिन इस दुष्ट परेशानी का नाम लिया गया है, उसका नाम निशान तक मिट जाएगा, उसका नाम लेने वाला तक ना रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके अविश्वासियों के बीच में, इन मिस्ट ऑफ नेगेटिविटी, इन मिस्ट ऑफ द केओस, अ मैन टुक अ स्टैंड अप एंड स्पोक द वर्ड ऑफ गॉड। द वर्ड ऑफ सेज दैट ऑल थिंग्स आर इम्पॉसिबल विद मैन बट पॉसिबल विद गॉड। हालेलुया। आपको निर्णय लेने की जरूरत है। यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू मेक अ डिसीजन। रादर यू रिजेक्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड और यू एक्सेप्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड। या परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं दिल से, या आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अरे ये कैसे होगा? रातों रात कैसे होगा? ये आपको डिसाइड करना है। परमेश्वर का वचन रेडी है काम करने के लिए, लेकिन आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा उसके वचन को आपके दिल में, आपके घरों में, आपके ऑफिस में, आपके देश में, आपके शहर में, आपके गली में काम करने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर जो ऑफिसर है राजा का, वो इतना ज्यादा पावरफुल है, फिर भी सोचो उसको कोई कमी घटी नहीं, फिर भी वो विश्वास नहीं कर रहा। जब उसने उस परमेश्वर के दास के वचन को रिजेक्ट किया कि अरे कैसे होगा, उसने पता क्या बोला? आइए हम लोग देखते हैं दूसरा राजा, उसके सातवें अध्याय की 3-18 लाइन पढ़ेंगे। तब अब राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ में वह तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक के लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया और यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। यह ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शुरू में राजा के अधिकारी ने क्या कहा था कि सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी ये क्या बात हो सकती है? क्या बात हो सकती है कि 1 किलो मैदा 2 रुपये 87 पैसे में मिलेगा क्या? जहां पर खाने को नहीं मिल रहा है, जो हजारों में जिसकी कीमत पहुंच गई है, इस इतनी सस्ती होगी? उसके अविश्वास के कारण अलीशा बोलता है कि तू खाने ना पाएगा। अब बाइबिल बताती है, आगे लिखा है, जब परमेश्वर ने अपने हेवन को खोला, आकाश के झरोखों को खोला, और उस समय इतना महंगाई, इतनी जो है बिल्कुल सस्ती हो गई और मैदा सस्ता हो गया, लेकिन उस अधिकारी के अविश्वास कारण वो कुछ न खाने पाया और लोगों के पैरों से नीचे दबके मर गया। या आपको चुनना है कि आप क्राउड ऑफ डिफीटर्स के पीछे जाते हैं या विक्टोरियस लोग के साथ जाते हैं। आप, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप को परमेश्वर जो पराजय को जय में लाने वाला है उसके साथ जाते हैं। और यू हैव टू डिसाइड, आर यू गोइंग टू विद द लॉर्ड हु कैन टर्न योर डिफीट इनटू द विक्ट्री? इट्स अप टू यू। क्या परमेश्वर इतनी तेजी से काम कर सकता है? कैन द लॉर्ड डू सो फास्ट? यस, विद इन 24 आवर्स। सारा अकाल खत्म हो गया और दुश्मन की घेराबंदी, जो आराम की सेना ने इज़राइल को घेर रखा था, वो भी टूट गई, भाग गए डर के मारे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। हमारा परमेश्वर वहाँ काम कर सकता है जहाँ हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर सरपासिंग और अंडरस्टैंडिंग, हमने सोच समझ के काम कर सकता है, जो हमारे मध्य में, जो अभी इसी वक्त हमारे मध्य में। आज हो सकता है आप टेस्ट ट्रायल और टेम्पटेशन से गुजर रहे हो और आपकी जो नाव है वो भंवर से, जो नदी की उसमें डोल रही है, लेकिन उस एंकर को देखो, उस पतवार को देखो जो उस बोट के ऊपर रहती है, नाव के ऊपर लगी रहती है, उसको स्टेबल रखती है, उस
उसको उसको स्थिर करती है। हमारा परमेश्वर जो हमारा एंकर ऑफ सोल है, जो हमारे हमारी 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 आत्मा का जो जो उसको संभाल रखता है, जो उसको स्टेबल लगता है, वो यीशुआ मसीह है, एंकर ऑफ फेथ, जो हमारे नाव को जब उस पर अविश्वास की तरंगे आती हैं, द वेव्स ऑफ अनहोप कम्स एंड द डैश अवर बोट, उस समय हमारा परमेश्वर यीशुआ उसको संभालता है। हालेलुया, आपने उद्धार करता यीशु की ओर देखते हैं। बीवेयर द अनबिलीव विच कम इन अवर करप्टेड सोल, हमेशा सावधान रहने की जरूरत है, जो हमारे करप्टेड सोल में हमेशा वो जो अविश्वास का कीड़ा जगा रहता है। परमेश्वर हमारे जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे हमारे जो पुराने मनुष्य को है, हमारे जो ओल्ड नेचर को है, वो गाड़ देता है। लेकिन कभी कभी जब हम वो फिर से जिंदा होकर के आता है, उसको वहाँ गड़े रहने की जरूरत है, उसको लाने की जरूरत नहीं बीच में, क्योंकि हमारे नेचर में वो है, उसको वही दबा रखने की जरूरत है जो फॉलन ह्यूमैनिटी का नेचर है, अविश्वास, डिसबिलीफ, अनबिलीफ, अनफेथ, उसको वही गड़े रहने की जरूरत है। जब ये बार बार आएगा तो अविश्वास करना आपको मुश्किल हो जाएगा। यू कैनॉट बिलीव दैट लॉर्ड कैन डू सो फास्ट। अगर हम अभी यहाँ दूसरे लोगों में देखेंगे, यहाँ हमने एक ऑफिसर को देखा जिसने इतना विश्वास किया कि परमेश्वर काम को नहीं देख सकता, लेकिन हम देख सका। हम एक ऐसे लोग को देखेंगे जिसने जिंदगी में जिन लोगों ने गलत काम किया, अविश्वास किया, लेकिन उन्हें एक स्टेप ऑफ फेथ ने इट हैज कम्प्लीटली चेंज देयर लाइफ, उनकी एक विश्वास एक कदम ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक्सोडस निर्गमन 32 अध्याय पढ़ेंगे, उसकी 26 लाइन पढ़ेंगे। यहाँ पर उस समय घटना है जब मूसा जो था सियोन पर्वत पर जाता है, परमेश्वर से वाचा लेने के लिए गया था, परमेश्वर से नियम लेने गया था, और इधर जो उसका मूसा का जो भाई हारून, उससे लोग इसराइल बोलने लगे कि मूसा को गए हो इतने दिन हो गए और हमको हमारा देवता बना, तो उसने क्या किया, सोना लेकर के उनका बछड़ा बनाया, उसके 70 डांस करने लगे, ये लोग फायर डांस करने लगे। उधर मूसा परमेश्वर से वचन ले रहा है, और इधर इसराइली जिनको परमेश्वर जिसने लाल समुद्र दो भागों में बांटा, दिन में उनको बादल खम्भा और रात में अग्नि खम्भा लेके कुछ चलाया, को मार्ग दिखाया, चट्टान से खोद के पानी निकाला, इनको 40 साल मन्ना दिया जो ऐसा न्यूट्रिशियस मन्ना था जिसमें इनके पैर नहीं फूले, ना इनको कोई बीमारी लगी, ऐसे नक्कार इसराइली जो फिर गए और उन्होंने पराए देवता उस बैल की वर्शिप करने लगे। तब मूसा को जब आवाज़ सुनाई पड़ी, हवा को आवाज़ सुनी पड़ी, तो मूसा जब उतरा तो उसने पूछा, कौन है परमेश्वर की तरफ, वो मेरी तरफ आए। अगर लिटरली मीनिंग देखें तो कौन है जिसको मसीह पर विश्वास है, वो मेरी तरफ आए। आज का ही वचन है, कौन है इन अविश्वासियों के बीच में जो जिंदगी भर अविश्वास के पतवार पर चलते रहते हैं, कौन है जो हमारे बीच में जो यीशुआ का कहलाने वाला है, जो खोलाहट से भरा है, वो मेरे पास है, मेरे साथ है। उस समय आपको सोचा होगा 12 गोत्र में लेवी वंश के लोग क्यों चुने गए, सिर्फ इस काम के लिए, याजक पद के लिए, क्योंकि उन 12 गोत्रों में से सब लोग थे, लेकिन सिर्फ एक गोत्र बाहर आया जब मूसा की ललकार सुना, सिर्फ लेवी लोग आए, मेजॉरिटी का साथ छोड़ा और अकेले आए, तो यहोवा को भाया। अब ये लेवियों को हम लोग अगर थोड़ा बैकग्राउंड में चलेंगे, अगर हम लोग उत्पत्ति की 35 अध्याय देखेंगे तो लेवी को भाग नहीं मिला उनके, जब बंटवारा हुआ देश का, जब ये लोग यरदन नदी के पार आए, मूसा और यशुआ ने जब इनको डिवीजन हुआ तो इनको कोई भाग नहीं मिला। अब उसका आरंभ थे क्यों भाग नहीं मिला और ये क्यों ऐसे वांडरिंग और रिवेलियस घूमते रहे लेवी लोग, फिर इतने मुख्यता में क्यों आ गए, इतना मेन में क्यों आ गए, जो बिल्कुल उनको कोई पूछता नहीं था, जो रिवेलियस थे और जो अनज्ञाकार में गिना जाता था, वो एकदम से यकायक इतने ज्यादा याजक काम करने लगे, परमेश्वर के सेवक हो गए, कैसे हो गए, आइए हम लोग देखेंगे ऐसा क्या हुआ था। उत्पत्ति 35 अध्याय में देखें, जब याकूब अपने मामा लाभान से अपने घर को बेतेल को जा रहा था, तो वो सिक्किम में जगह थी, वहां पर उसने डेरा डाला, और उसकी जो लड़की थी दीना, अब देखो दीना जो है उसको अनजान जगह में घूमना नहीं चाहिए था। एक ये भी एक लेसन निकल के आता है, आप अनजान जगह में आपको जब मना किया गया तो आप घूमने जरा नहीं था, लेकिन वो गई और वहां पर सिक्किम के राजकुमार ने उसको देखा और ही रेप डर, उसने उसका भ्रष्ट कर डाला। फिर इसके बाद उसको उसमें प्यार आया, उसको दिल लगा, उसने बोला नहीं मैं इसे शादी करूंगा, और अपने माँ बाप को लेकर के याकूब के पास आता है, याकूब से ट्रीटी बांधते हैं, वो दोनों समझौता करते हैं, वो दोनों एक वाचा में आ जाते हैं कि ये लोग लेवी और सिमोन लोग बोलते हैं कि
हम तुमसे तभी शादी कर सकते हैं जब तुम खतना करो. When you circumcise, then we'll marry. We'll give our daughter and son to you, and you give your daughter and son to me. हम अपने लड़के लड़कियां तुमको देंगे, तुम्हारे लड़के लड़के हम लेंगे, लेकिन तुमको हमारे साथ एक वाचा बांधनी पड़ेगी, तुमको खतना करना पड़ेगा. बोले खुश हो गए, उन्होंने सबने खतना किया. लेकिन सब याकूब को नहीं मालूम था कि क्या खिचड़ी पक रही है लेवियो लोगों ने. जब खतना करा लिया तो वो फिजिकली रूप से बिल्कुल सिक्केम के लोग बिल्कुल बेकार हो गए, और उन्होंने रातों रात अटैक करके तलवार से सबको मार डाला. जब ये याकूब को बात पची तो याकूब घबरा गया, अरे सब तरफ दुश्मनी हो गया मेरे पास, अब मेरा पूरा घर नाश हो जाएगा दो लड़कों की बेवकूफी के कारण, लेवियो और सिमोन के पीछे. उसका जी में जी ना रहा, क्योंकि उसने वाचा बांध दी थी, उनके साथ एक कवनेंट कर लिया था. बाइबल बताती है कि जब याकूब अपने आप को डन करता है पूरे परिवार के साथ, तो परमेश्वर उन सिक्केम के लोगों पर ऐसा भय डाल देता है कि वो लोग उनका पीछा नहीं करते. इससे एक और मैसेज निकल के आता है कि परमेश्वर को अपने जीवन प्रायोरिटी करते हैं, उसको प्रत्येकता देते हैं, उसको महिमा देते हैं, तो परमेश्वर हमारा जो भय है हमारे बैरियर के बीच में डाल देता है. बैरियर आपको कभी छुएगा नहीं यदि परमेश्वर को महिमा देंगे. और याकूब सुरक्षित अपने घर को जाता है. इतना बड़ा कांड हो गया था, सबको मार डाला था, लेकिन लोगों ने उनका पीछा नहीं किया. ये बाइबल का वायस का बात था. लेकिन याकूब बुढ़ापे तक इस बात को अपने दिल में रखता है कि मेरे लेवी ने और सिमोन ने हमारे साथ गलत काम किया, वाचा को तोड़ा. हालांकि उन्होंने गलत किया था उनकी भैंस साथ, लेकिन वो दिल में रख लेता है. जब वो मृत्यु से यह बोलता है, जब वो डेथ बेड होता है, तो कष्ट प्रोक्लेम करता है. क्या करता है आइए सुनते हैं. उत्पत्ति 49:5-7, जेनेसिस 49:5-7 वर्स पढ़ेंगे. सिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं. हे मेरे जीव, उनके मर्म में ना पड़, हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्य को घात किया और अपनी इच्छा पर चल करके बैलों को पंगु बनाया है. सातवां धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था, और उनके रोष को जो निर्दय था. मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इसराइल में तीतर बीतर कर दूंगा. तो लेवी के लिए परमेश्वर के राज में कुछ नहीं है. दे आर मर्डरर, दे आर टेकिंग रिवंश, देयर इज रिवंश, देयर इज अ कर्सिंग एंड देयर इज अ हेट्रेड. उनको कोई इनहेरिटेंस नहीं मिला, उनको कोई पोर्शन नहीं मिला. बदले में क्या मिला? कर्स, डेथ बेड पर. यानी कि वो इतने नीचे आ गए थे, जो सोचो एक गलती के पीछे. लेकिन मूसा के पुकारने पे ही हु इज ऑन द लॉर्ड सेट, कौन है परमेश्वर की ओर, एक उनके स्टेप का फेथ कि उनकी पूरी जिंदगी बदलती. हालेलुया. आज अगर आप भी आप रिवेंजफुल हो, आपके मन में किसी का आक्रोश लिया हो, या आप नेग्लेक्टेड हो, या आपको आपका पोर्शन ना मिला हो, आप बहुत दुखी हो, और आपने पूरी जिंदगी यूं ही गुजार दी हो, अगर आपके पर कोई किसी ने आपके लिए कुछ किया ना हो, तो आज परमेश्वर का वचन कर रहा है कि टुडे इज द डे ऑफ सॉल्वेशन, टुडे इज द डे ऑफ विक्ट्री. आज ही उद्धार के दिन है, आज ही विजय का दिन है. यदि आज अगर आप विश्वास का काम लेते हैं, तो परमेश्वर लेवी के समय तुम्हें उठाएगा, सिरमौर बनाएगा, अपने काम के लिए चुनेगा, अपने राज का वारिस बनाएगा. आपका भाग जमीन पर ना होगा, आपका भाग आसमानी होगा. जब भाग आपका आसमानी होगा, तो आपका भाग जमीनी भी होगा. हालेलुया. मैनी क्रिश्चियंस आर डिसइल्यूजन फॉर देयर लॉट. मानी बहुत सारे मसीह विश्वासी हैं जो आज अपने पोर्शन जो उनको मिला, जो उनको जिंदगी में भाग मिला, या उनको जो जिंदगी मिली, उसे खुश नहीं है. उनको अपनी जिंदगी बहुत हार्स और बड़ी खराब दिखती है. आपको लगातार आपकी हेल्थ खराब आपको दिखिए, शुरू से आप हेल्थ से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बैड मैरिज से जूझ रहे हैं, खराब विवाह संबंधों से जूझ रहे हैं, या बहुत ऋणों से दबे हुए हैं, या आप जिस काम में हाथ डालने से सफल नहीं हुए. एक घटना के बाद दूसरी घटना आपको झकझोर दे रही है, आप नीचे नीचे आते चले जा रहे हैं. लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आज अगर परमेश्वर का वचन सुनते हैं, अगर आज आप एक स्टेप फेथ लेते हैं, तो परमेश्वर आपको लेवी की तरह, जिसको कुछ भाग नहीं मिला था, आपको अपना भाग देगा. उस सोचो उस महिमा में परमेश्वर की, जो अनंत काल का परमेश्वर है, वो अपने भाग से आपको भाग देगा. जब वो अपने भाग से अपना भाग देगा, जब अपनी आत्मा से अपना आत्मा देगा, जब अपने हाथ से आपको आशीष करेगा, तो आप सोचिए कि आपको क्या से क्या बनाएगा. आपको जर्रे से हफ्ता बनाएगा. ही विल मेक यू फ्रॉम जीरो टू हीरो. ही विल गिव यू क्राउन, ही विल गिव यू क्राउन ऑफ ब्यूटी इंस्टेड ऑफ क्राउन ऑफ एश. लेवी लोग क्यों आशीष पाए? क्योंकि परमेश्वर उनका भाग हो गया. एक विश्वास का कदम उस आवाज की ओर गए. वैसे आज आप भी परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो आपको परमेश्वर अपना भाग में देगा. सेकंड क्रॉनिकल 16:9 द आईज ऑफ द लॉर्ड सेज द होल अर्थ इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन दोज हु हार्ट आर फुली कमिटेड टू हिम. परमेश्वर की आंखें चारों तरफ, यानी कि आंखें मतलब परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है. वो
वो यूं देखता है कौन है जो अपने कमजोर है ताकि मैं अपनी उसमें सामर्थ्य दिखाऊं। बाइबल बताती है सेकंड कुरिन्थियन के 12 में लिखा है कि जब जब मैं कमजोर होता हूं तब तक मैं सामर्थ्यशाली होता हूं। जब आप देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप कमजोर हैं, तो परमेश्वर की आंख आपके ऊपर है, लेकिन आपको आंख अपने परमेश्वर की ओर पर उठाने के यीशु की ओर ताकने की जरूरत है, एक विश्वास का कदम लेने की जरूरत है ताकि वो अपनी सामर्थ्य आप पर दिखाए, ताकि आपका जो पोर्शन है जो इस स्पिरिचुअल धरती पर जो क्षणभंगुर धरती पर ना हो करके उस परम पिता परमेश्वर जो अग्निमय परमेश्वर है, जो ज्वलनशील परमेश्वर है, जो विलंब से कूप करने वाला है, उसके साथ आपका भाग बने। चाहते हैं कि आपका भाग यीशुआ के साथ भाग में मिले, तो आज ये समय है कि आप एक विश्वास कदम उठाएं और अपने उद्धारकर्ता मसीह की ओर ताकते हुए उस विश्वास के साथ दौड़ें और पुरानी बातों को पीछे छोड़ें। आज ही से अगर आज ही आप उसका सब सुनते हैं तो अपने मन को कठोर ना करते हुए और कोई भी विष उपजाने वाली जो जड़ है उसको हटाते हुए अपनी क्लियर कॉन्शियस से, अपने अपने क्लियर क्लीन विवेक से, डाउट ना करने वाली आत्मा से उसकी ओर देखें, उसको पकड़े। When he hold of your hand that you won't slip, अगर वो अपने हाथ को आपके हाथ को पकड़ेगा वो कभी नहीं छूटेगा। अगर आप पकड़ेंगे उसका तो स्लिप हो सकता है, लेकिन जब परमेश्वर यीशु आपका हाथ पकड़ेगा तो कभी नहीं छूटेगा। अगर अब यीशु में आते हैं तो आपका ग्रेट ब्रेक मिलता है और उसके सामने दुनिया के हर चीज क्षण भंगुर है, खत्म होने वाली चीजें, एवरीथिंग एल्स इज फ्लीटिंग। डोंट बी सो क्विक टू ज्वाइन द डाउटर्स। आज जरूरत है कि उन अविश्वास करने वालों के साथ में ना बैठे, होने दें कि अविश्वास आपको पकड़े ना, आपको विश्वास आपको। यशायाह के 55 अध्याय की 11वीं लाइन में लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, व्यर्थ ठहर करके मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। मतलब परमेश्वर का वचन, अगर आप परमेश्वर का वचन जो है, अगर परमेश्वर बोल रहा है कि कौन है परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर का वचन आपकी तरफ है, वो बोल रहा है कि जिस प्रकार से हिम वर्षा दोनों आते हैं और धरती गीला करते हैं और खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज देते हैं। अभी देखो खाने वाला कौन है, खाने वाला वो है जो सब खा जाता है, हजम कर जाता है, मतलब खाने जाता है परमेश्वर के वचन को खा गया, मतलब उसको ध्यान ही नहीं दिया, खा गया। लेकिन कौन अच्छा है जो परमेश्वर के वचन को बीज की तरह इस्तेमाल करता है, उसको बोता है और हजार गुना फल लाता है। खाने वाला कौन है, वो उस ऑफिसर की तरह है जो राजा के ऐसे तकिया लगाता था, बोलता ऐसा होगा क्या कि परमेश्वर अगर अपने फ्लड गेट भी खोल ले, अपना स्वर्ग का भंडार खोल दे तो क्या हो पाएगा, एलिशा के बाद भी डाउट करता है। वो खाने वाला है की तरह है जो खा जाता है, विश्वास अविश्वास की तरह उसको चढ़ा खा जाता है। लेकिन उनकी तरह बनो जो लेवी की तरह था, जो परमेश्वर का वचन को पकड़ता है और उसको बो देता है। जब उसको बो देता है तब उसका जो मसीहा आएगा, जब उसका जब जैसे मूसा आया था ऐसे मसीहा आएगा, तब पूछेगा बेटा तूने क्या किया था, बोलेगा देखो मैंने ये बीज बोया और हजार गुना फल लाया। परमेश्वर वचन दो तरीके से, दोनों के लिए, ये खा जाने वाले के लिए जो खा जाते हैं सोचते बस यहीं तक है, उसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन एक उनके लिए है जो बीज की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो बीज में इतनी ताकत होती है कि एक बीज तीन एक सरसों का मस्टर्ड सीड जो है 1000 साल तक उसके अंदर पोटेंशियल होता है जो एक पेड़ को पैदा कर एक पेड़ को गा सकता है। यानी कि 1000 साल पुराना बीज भी आज में उसमें वही सामर्थ्य होती है जो एक पेड़ को गा सकते हैं। वैसे परमेश्वर का वचन है जो शाश्वत है, कभी ना मिटने वाला है। मरकुस के 13 कत्ते लिखा कि धरती आकाश टल जाएंगे लेकिन यीशु का एक वादा एक बिंदु भी हटेगा नहीं। अगर आप देखें तो सुबह आप देखेंगे वो पहाड़ ना हो, किसने सोचा था कि COVID-19 आएगा, ये सब हो जाएगा, कितने बड़े बड़े लोगों ने प्लान बनाया था। बाइबल कहती है, जेम्स और याकूब में कहती है कि परमेश्वर मनुष्य के जो जीवन है बुलबुले की तरह है, आज है कल नहीं है, हम ये करेंगे। बाइबल बताती है ये मत कहो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये कहो कि यीशु अगर चाहेगा तो हम ये करेंगे। तो वही परमेश्वर का वचन है। बात है हाँ, ये माउथ चेंज होता रहता है। आज मैं वचन बोल रहा हूँ आज से 2800 साल पहले, यानी कि यीशु के आने से 800 साल पहले एलिशा ने वही वर्ड बोला था, वचन वही है जो आज मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुंह चेंज होता है। लेकिन वचन हमेशा शक्तिशाली रहता है, उसमें वही ताकत रहती है, उसमें वही चीजों को मेटलाइज करने की पावर। वर्ड अ वर्ड हैज अ पावर टू मेटलाइज थिंग विच इज नॉट विजिबल अनटू योर नेकेड आइज। परमेश्वर के वचन में वही सामर्थ्य है जो आपको नहीं दिखता, उसमें वही सामर्थ्य है उत्पादक करने की चीज, वो
जो चीजें नहीं भी हैं उनको बना सकता है, बिकॉज अवर लॉर्ड इज क्रिएटर एंड क्रिएट्स थिंग वेयर इज नथिंग। हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है, वहां से चीजें बनाता है जो दिखती नहीं, जो होती नहीं, उन चीजों का नाम ऐसे लेता है जैसे वो हों जबकि वो है नहीं। इसलिए बाइबल बताती है कि हम विश्वास से चलते हैं, उन देखी चीजों पर नहीं चलते हैं, जो नहीं दिखती उन पर चलते हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने एलिशा का द्वारा जीवन का वचन भेजा, दैट वाज अ रेमा वर्ड। वो परमेश्वर का वचन था जो काम करने वाला था। यही रेमा वर्ड मूसा ने भेजा 12 गोत्रों की तरफ कि कौन यीशु के साथ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का राज को बढ़ाने वाला था, लेकिन अविश्वास के कारण उसको लोगों ने नहीं लिया। किसी ने स्वीकारा, किसी ने नहीं स्वीकारा। जिसने स्वीकारा वो परमेश्वर के राज में रोमा से टम्पेट हर चीज भलाई उत्पन्न करी, और जिसने नहीं स्वीकारा वो क्रस्ट हो गए, वो मर गए। हमेशा याद है कि अगर आपके गलत साथ चीज़ें भी आप सब घटित हो रही हैं और अपने विश्वास भी अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा अच्छा, लेकिन याद रखें रोमन से 8:20 अगर गलत चीज़ें भी हो रही लेकिन वो आपको गोल की तरफ ही ले जाएंगी। अगर गलत चीज़ें भी हो रही तो याद रखें परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको परमेश्वर के भलाई की ओर ही ले जाएंगी। याद रखें रोमन से 8:20 हर चीज़ भलाई उत्पन्न करेगी। लास्ट में आप जब बैठेंगे एक सिरे को मत पकड़ें, एक सिरे को पकड़ेंगे तो आप हमेशा डिस्करेज हो जाएंगे। कई सिरे को पकड़ें, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो ये चीज़ हुई, ये चीज़ तो ये चीज़ नहीं हुई, मिलकर देखेंगे तो आप अगर बैठ के मनन करेंगे, परमेश्वर के वादों को ध्यान करेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर की हर चीज़ भलाई उत्पन्न करती है उनके लिए जो यीशु से प्रेम करते, उनके लिए जो उसके परमेश्वर के वादों पर वचन पर ईमान लाते, उनके लिए जो ठट्ठा करने वाले अविश्वास करने वाले गोष्ठी में नहीं बैठते हैं। कभी कभी आप आश्चर्य करेंगे कि हो नहीं रहा है, सब कुछ नहीं हो रहा, डिले हो रहा है। हाँ, वो ऐसा सैमैरी करेगा, शैतान ऐसा करेगा कि आपको लगेगा कि परमेश्वर का जो किंगडम है वो हॉल्ट में आ गया है। आपको ऐसा लगा देगा कि परमेश्वर का जो राज है वो रुक गया है, स्टॉप हो गया परमेश्वर का राज। ऐसा आपको ऐसा वो धोखे में लाएगा। वो एक ऐसा बैरियर है जो परमेश्वर के काम को ना देखता हुआ पसंद करता है। He was the first person to see the work of Lord being done at the last. वो चाहता है कि परमेश्वर का जो वचन है सबसे आखिरी में हो। इसीलिए वो टेस्ट, ट्रायल एंड टेम्पटेशन लाता है। और याद रखें हमेशा कि परमेश्वर कोई भी बीमारी नहीं लाता है। परमेश्वर की बीमारी लाने से महिमा कभी नहीं होती। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जो ज्योति, बाइबल स्वर्ग में याकूब में लिखा है कि ज्योति में परमेश्वर जो ज्योति में रहने परमेश्वर है और वो कोई भी गलत चीज नहीं भेजता है। इट इज एंटीडोट ऑफ योर अनहोप अनबिलीव। आज मैं एंटीडोट जो बोलता हूँ, जो वचन का मैं ये डोट है, जो एंटीडोट है ऑफ नेगेटिविटी ऑफ अनबिलीफ, कि ये है कि परमेश्वर का वचन जो है वो खाली नहीं जाता है। मिसाइल खाली जा सकती है, एटॉमिक हथियार खाली हो सकते हैं, बेकार जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जब निकलता है तो काम करता ही करता है, रिजल्ट लाता ही लाता है। क्योंकि लूक 1:37 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जरूर से जरूर पूरा होता ही है, रिजल्ट लाता ही लाता है, व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी परमेश्वर का वचन फेल नहीं होता। तो आज मैं ही बताना चाहूँगा हमारे मसीह प्यारे भाई और बहनों कि परमेश्वर की तरफ कौन है। हम कब तक दो चीज़ों में लटके रहेंगे? हु इज़ ऑन द लॉर्ड साइड? परमेश्वर की तरफ कौन है, कौन वो है? परमेश्वर की तरफ वो है जो परमेश्वर के वचन पर ईमान लाता है, सुनता है, चलता है। उसको ही उस तरीके आशीष माने, उसका सूखा हट जाएगा, उसका किलेबंदी जो दुश्मन लगाई वो टूट जाएगी, उस सारे बंधन टूट जाएंगे। लेकिन यदि वो आदमी जो परमेश्वर के वचन में ठट्ठा करता है, राजा के तकिए पे ऐसे करके बोलता है, क्या ऐसा होगा? वो राजा के अधिकारी के तहत हार जाता है और मारा जाता है। तो हमको डिसाइड करना है कि हम किस तरफ है, हम मसीह के साथ हैं या हम अविश्वासी मौकर्स के साथ हैं जो हमेशा जिंदगी तरफ हमेशा अविश्वास में जीवन गुजार देते हैं, परमेश्वर के वचन ठट्टा मखौल करते हैं। द मॉक अंडर द वर्ड ऑफ गॉड। वी हैव टू डिसाइड। मे गॉड ब्लेस यू।